हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैंने ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने घर की क्लीनिंग कर लिया है और अभी पूजा कर लेती हूँ। ये मैंने मंदिर में पूजा कर लिया है वहाँ पर, और अभी बातें बाद में करूँगी क्योंकि हस्बैंड को जाना है जल्दी से, और जल्दी से कुछ बना देती हूँ क्योंकि वो खा के जाएंगे। तो चाय वो पी रहे हैं, रुपेश जो है वो चाय बना दिया था, तो चाय अभी वो पी रहे हैं। मैं कुछ बना देती हूँ जल्दी से, सब्जी और रोटी, तो खा के जाएंगे वो। तो अभी मैं पहले मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने लिया है, हरा लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है, टमाटर है और प्याज है। इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट नहीं, वही थोड़ा दरदरा मैं इसे पीस लूँगी। मैं सारे मसाले जो मतलब जितनी भी सब्जियों के मसाले मैं पीसती हूँ ना, वो सब दरदरा ही रहता है, फाइन पेस्ट नहीं करती हूँ। कभी कभी करती हूँ फाइन पेस्ट, जैसा सब्जी होता है उस हिसाब से। तो अभी मैंने देखिए प्याज भी कट कर लिया है और इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए पेस्ट जो है वो तैयार है, और आप देख सकती हो कितना ये दरदरा है, मैंने मोटा ही पीसा है। और अभी सोच रही थी क्या सब्जी बनाऊँ, मसाले तो लगेंगे ही लगेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू गोभी बना लेती हूँ, क्योंकि गोभी जो है ना वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले आज गोभी बना लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो गोभी को मैंने अच्छे से काट के, अच्छे से मतलब कीड़े वगैरह इसमें चेक कर लिया है। फिर मैंने इसे रख दिया है बॉईल होने के लिए, और मैंने उसमें नमक भी डाला है। और यहाँ आ जाती हूँ आलू, मैंने मतलब आलू मैं छील लेती हूँ और काट लूँगी। और मैं बिना गोभी को बॉईल किए मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ। मुझे भुजिया भी बनानी होती है तो भी मैं गोभी को उबाल कर ही बनाती हूँ उसकी सब्जी। तो अभी आलू कट गई है और इसको मैं अच्छे से वाश कर लूँगी 2-3 बार, क्योंकि ठंड की जो आलू होती है ना उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगा होता है, इसी की वजह से मैं इसे 2-3 बार वाश कर लेती हूँ। फिर आ जाती हूँ यहाँ, मैं सारे जितने भी कचड़े हैं वो सारे कचड़े मैं डस्टबिन में डाल दूंगी, क्योंकि काम करते रहिए और किचन क्लीन करते रहिए ना तो काम आसान हो जाता है, किचन भी क्लीन क्लीन दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं काम करती रहती हूँ और मतलब किचन की क्लीनिंग भी साथ कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने सब्जी के लिए तेल डाला है, जीरा का तड़का लगा दिया है, और अभी मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें मैं मसाले डाल दूंगी। और दूसरे साइड में गोभी जो है बॉयल हो गई है, तो इसे मैं अच्छे से फिर धुल लूंगी और फिर इसे मैं फ्राई कर लूंगी। फ्राई नहीं, वैसे सौते एक बस कर लूंगी हल्का सा। तो अभी गोभी मैंने धुलने के लिए मतलब थोड़ा छोड़ दिया है, थोड़ा सा मैंने तेल लिया है गोभी को भुनने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मतलब लगे हाथ मैं किचन भी साफ करती जा रही हूँ। जैसा कि मैंने तेल लिया है तो तेल के डब्बों को साफ कर ले रही हूँ, कि तेल जो उसमें से चूहेगा तो डब्बा खराब हो जाएगा। तो ये मेरा डेली का है, मैं अपने किचन को ऐसे ही क्लीन रखती हूँ। मेरा किचन इसीलिए क्लीन दिखता है क्योंकि मैं लगे हाथ सफाई करती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाला जो पीसा था उसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च मतलब कश्मीरी लाल मिर्च है, और नमक मैंने डाल दिया है, और प्याज भी भून गया है। तो मैंने सारे मसाले जो है वो कुकर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और अच्छी तरीके से अब मैं मिक्स करके इसे भून लूँगी जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। दूसरी तरफ मैं देखिए गोभी को फ्राई कर लेती हूँ, सॉरी फ्राई बार बार बोल रही हूँ, सौते कर लेती हूँ हल्का सा लाल हो जाए। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, और मैंने मतलब सब्जी जो है आलू गोभी में तड़का लगा दिया है, मसाला भून रही हूँ, गोभी जो है फ्राई हो रही है, यहाँ देखिए गोभी जो है फ्राई हो रही है, यहाँ देखिए आलू भी मैंने कट कर दिया है। आज हस्बैंड को जल्दी जाना है, वही 11 बजे तक जाएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि जल्दी से मतलब रोटी और सब्जी बना दूँ, वो खा के चले जाएंगे। फिर उसके बाद दोपहर में चावल बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ दोपहर में उनको खाना मिलेगा, तो इसीलिए सिर्फ आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला जो है भून गया है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, मतलब मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया और बस 2-4 मिनट इसे भून लूँगी। और इसमें मैंने गरम मसाला मिला दिया है, अशोक का जो आता है पाउच वाला मसाला, वो है 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। फिर मैंने इसमें गोभी डाल दिया है और बस इसे भी 1 से 2-4 मिनट बस इसे भून लूँगी। फिर जितना ज़रूरत है उतना मैं पानी डाल लेती हूँ। आपके घर में जितने लोग हैं आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अभी मैंने एक लिड लगा दिया है, बस 4-5 सीटी आने के बाद सब्जी जो है वो बन जाएगी। दूसरी तरफ मैं रोटी भी सेक लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को जाना है, टाइम तो अभी है 1.5 घंटे के लगभग है, पर जल्दी से मेरा खाना मतलब मैंने आज खाना 1/2 घंटे के अंदर बनाया है। सिर्फ 1/2 घंटे में सब्जी रोटी जो है वो बन गई है। तो बस अब जल्दी जल्दी रोटी मैं निकालती जाऊँगी, और हस्बैंड नहाने गए हैं तो जब वो नहा के आ जाएंगे तो उनको मैं दे दूंगी। और सीटी मतलब सब्जी जो है वो 2-3 सीटी लग गई है, 2 सीटी के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी, फिर
फिर सब्जी भी चेक कर लूँगी। मतलब सब्जी तो ऐसे बन ही गई होगी क्योंकि कुकर में सब्जी जो है वो मुझे तो अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर सब्जी जो है वो कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में बनाने से सब्जी जो है बहुत जल्दी बन जाती है, गैस की मतलब गैस का बचत होता है। और भुजिया वगैरह बनाना होता है तो ही मैं मतलब कढ़ाई में बनाती हूँ। और यहाँ देखिए ये सब्जी जो है कितनी अच्छी, मतलब कितना अच्छा कलर आया है और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो अभी मैं लगा देती हूँ थाली। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए आलू गोभी की सब्जी और घी से चुपड़ी हुई रोटी। कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। और अभी हस्बैंड को भी निकाल देती हूँ, वो भी खा लेंगे और वो रेडी हो गए हैं। बस थाली लग जाए तो उन्हें मैं दे देती हूँ खाने के लिए। तो चलिए उन्हें दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने उनको जो है लंच कहिए नाश्ता कहिए उन्होंने कर लिया है। और ये देखिए वो रेडी हो रहे हैं, रेडी हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि आज उनको जल्दी बुलाया गया है तो जल्दी ही जाएंगे। तो बच्चों भी अब ये जब चले जाएंगे तो फिर मुझे छवि को नहलाना है। आज धूप बहुत अच्छी आई है, चलिए दिखाती हूँ आपको। यहाँ मेरी सीढ़ी पे आप देखिए, एक वहाँ देखिए, बहुत अच्छी धूप आई हुई है। तो अभी रुपेश नहा रहा है। नहा लिए रुपेश? नहा लिए? अच्छा नहा के आओ। और रुपेश नहा चुका है, छवि को नहलाना है। और जब छवि नहा लेगी तब उसके बाद से फिर मैं मतलब मशीन लगाऊंगी, क्योंकि संडे को तो काफ़ी कपड़े हो ही जाते हैं तो मशीन से ही वास होता है। गेट खोल लीजिए, गेट पर खोल लीजिए। हस्बैंड जो है वो निकल गए हैं जाने के लिए। और अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि सड़क जो है कितना अच्छा लग रहा है मलबा गिरने से, मतलब मट्टी गिरने से। तो अभी जो है गाड़ी जो है आसानी से गेट के अंदर चली जाती है। पहले थोड़ा दिक्कत होता था क्योंकि नीचे था, तो अभी अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए छवि भी रेडी हो गई है और ये अपने फेस पर बॉडी लोशन लगाने जा रही है और पैर में बॉडी पे, और पैंट चेंज कर लो छवि। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, रुपेश भी तैयार हो रहा है। रुपेश अभी पैंट पहनना बाकी है रुपेश को। और यहाँ देखिए, तो वैसे तो लंच मैंने बना ही लिया है और बस मुझे बनाना है चावल के आटे की पूड़ी, चावल के आटे की पूड़ी बनाना है। और सब्जी और रोटी तो तैयार है, जिसको रोटी खाना होगा वो रोटी खाएगा, जिसको चावल का आटे का पूड़ी खाना होगा पूड़ी खाएगा। और सिंक में बर्तन भी हो गया है, तो पहले मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि मशीन जो है एक से डेढ़ घंटा लगेगा। 11:30 हो गया, 1-2 बजे तक तो ये कपड़ा मुझे देगा, तो मशीन पहले लगा लेती हूँ। हाँ होली का वीडियो बनाएंगे, क्यों एक साल अच्छा, बनाने की है इस साल का भी बनाइए ना मम्मी। इस साल जो इस साल वाला था होली वो शूट की थी ना। हाँ, जो काना जी साल वाला भी शूट। हाँ, काना जी को, जो काना जी को नहला नहीं रहे हैं। होली आ गया, बच्चे खुश हो गए। अभी होली आने में 2 महीना है, 2 महीना मतलब वही 1.5 महीना। फरवरी तो वही गया। और रुपेश ये तौलिया और वो तौलिया छत पे डाल आओ, क्योंकि मालूम है भीजा हो गया, जाके छत पे डाल दो। बाथरूम भी तुम खुला ही छोड़ देते हो, कुछ लाना है? नहीं कुछ लाना नहीं है, पहले जाओ बाथरूम में तौलिया डाल दो, सॉरी जाके ना छत पे सुखा दो तौलिया, लाना कुछ नहीं है। और क्या खाओगे तुम, चावल का पूड़ी खाओगे कि रोटी खाओगे? मेथी वाला सोच रहे रात को बनाएंगे, मालूम है टाइम नहीं है, चावल का पूड़ी बना दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं चावल के आटे का पूड़ी। पहले मैं चावल के आटे को अच्छी तरीके से छान लूंगी, क्योंकि जो भी इसमें गंदगी होगी या कीड़ा वगैरह होंगे वो साफ हो जाएंगे। पर कीड़ा नहीं था, साफ था बस। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया है। गर्म पानी में मैंने डाला था तेल, अजवाइन, नमक, और उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके चावल का आटा मतलब डालती गई थी। और जब ये सूख गया है ना, तो फिर मैंने गैस को ऑफ कर लिया है और अच्छी तरीके से हाथों से मल मल के बिल्कुल आटे का डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ मैं पूड़ियाँ बेल लेती हूँ चावल के आटे का, और कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकलेंगी और फिर मैं रुपेश को दे दूँगी, क्योंकि रुपेश बोल रहा था कि मुझे चावल के आटे की पूड़ी ही खानी है। तो अभी देखिए कितना अच्छा फूला फूला पूड़ी मतलब जो है वो निकल रहा है। तो अभी बच्चों को दे दूंगी, फिर मैं भी खा लूंगी। और यहाँ लग गई है थाली, आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हमारा लंच वगैरह हो गया है और दोपहर की बजे हैं 1, और बच्चों ने भी लंच कर लिया है, मैंने भी लंच कर लिया है। और पूरी सब्जी था, मैंने थोड़ा सा चावल डाल दिया था कि बच्चों को अगर खाना होगा तो खाएंगे। तो रुपेश खाया चावल, पर अभी छवि नहीं खाई है, छवि बोल रही है मेरा पेट मम्मी पूरी से ही भरा है, मैं बाद में खा लूंगी। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट करिए, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। मैं हंस रही हूँ पर मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मैं टूट चुकी हूँ यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे जो आने का मेरा मकसद था वो पूरा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अंदर से मैं बहुत टूट गई हूँ। पर क्या करूँ, पर हंसती हूँ कि चलो टेंशन थोड़ा सा कम रहेगा, कि हंसने से बोला जाता ना टेंशन कम हो जाता है। तो चलिए अभी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो बाय बाय फ्रेंड्स।